सीए अलग है और एनआरसी तीनों अलग है। एक नागरिकता देने का अधिकार है, एक नागरिकों को गिनने का अधिकार है, और जो घुस एनआरसी है जिससे भारत के सिटीजन को जानकारी मिलेगा कि ओरिजिनल कौन है, जो बाहर देश से आए हैं वो घुसपैठी है या तो उनको शरणार्थी बनाया जाएगा या उनको अपने देश में ले जाया जाएगा या हो सके तो भारत ही मदद करके भारत सरकार ही उसको यहाँ पर भी रख सकती है। तीनों अलग अलग चीज़ है, इसीलिए इसे भ्रमित ना किया जाए। ये बेकार भ्रम की स्थिति विपक्ष के लोग पैदा कर दिए हैं और गुमराह कर रहे हैं जनता को। हिंदू के लिए भी अच्छा है, मुसलमान के लिए भी अच्छा है कि जितने लोग पहले से आए हैं खास करके हिंदू कम्युनिटी के लिए फायदा हुआ रहा, मुस्लिम समाज के लिए। तो मोदी गवर्नमेंट में पता होना चाहिए कि 5 साल में 14,800 मुसलमानों को इन तीनों देश से आए हुए लोगों को नागरिकता दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और दल के नेता गुमराह कर भरमा रहे हैं, ये बात जो है कि जनता को लोग पागल बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जो अनपढ़ गवार है उन लोगों में भ्रम डाल रहे हैं, जो बहुत पाकिस्तान से मुसलमान भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या भाइयों के लिए संदेश है, वो घबराए नहीं, जो यहाँ पर है नागरिक वो नागरिक रहेंगे। ये एनआरसी आरसीए नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए है। जो यहाँ पर नागरिक हैले हैं उनको छीनने के लिए कहाँ बात हो रहा है, वो तो भारतवर्ष में जिस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है तो कहीं इसके फेवर में बातें चल रही हैं, कहीं लोग बाहर रोड पर निकल रहे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो कहीं सरकार के खिलाफ बातें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कुछ लोग जो है वो इसके फेवर में भी बाहर निकल रहे हैं, सीए और एनआरसी के फेवर में भी आ रहे हैं। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ की जनता से और बात करते हैं कि आखिर वो किस तरीके से देखती है सीए और एनआरसी को। जब आप बाहर निकलते हैं तो काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं, आपके चाहने वाले भी मिल जाते हैं, आपके दोस्त भी मिल जाते हैं। इसी कड़ी में हम यहाँ पे कवरेज कर रहे थे और हमारे साथी मिल गए यहाँ पे, जो कि एक साथ हमने कॉलेज में पढ़ाई की थी और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे, अभय मोदी जी। मोदी नाम साहब फेमस हो गए पूरे फेसबुक पे, ट्रेंड चल रहा है। क्या संदेश है इस क्रिसमस डे पे? बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि सभी देश ये मिलकर मनाता है, पूरा पृथ्वी मनाती है, पूरा ईसाई समाजों के लिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों की तरह बहुत बहुत बधाई। हम चाहते हैं कि ये बहुत हर्षोल्लास के साथ हर साल मनाया जाता 25 तारीख को, इस साल भरी अच्छा से मने और इस साल हम लोग अच्छा से अंत करें। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा एक चीज़ है, सीए और एनआरसी पे बड़ा चर्चा चल रहा है पूरे देश में। सीए से देखिए मतलब है कि देश के लिए अच्छा रहेगा, कहें कि जो लोग हमारे नागरिक जो पहले से यहाँ पर बहुत खराब स्थिति से रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलने का अधिकार है, इसे छीनने का किसी को अधिकार नहीं है, इसीलिए भ्रम ना फैलाया जाए, जितना हो सके सरकार को मदद किया जाए, जो लोग अदर देश से आए हैं उनकी मदद किया जाए। और एनआरसी अभी भारत में आया नहीं है, जब आया जाएगा तो उस पर चर्चा किया जाएगा, क्या दिक्कत है, कहाँ प्रॉब्लम है, सरकार समझेगी, हम लोग जनता भी समझ रहे हैं, वो भी देश के लिए ज़रूरी है। और एनपीआर भी इस चीज़ से अलग है, सीए अलग है और एनआरसी तीनों अलग है। एक नागरिकता देने का अधिकार है, एक नागरिकों को गिनने का अधिकार है, और जो घुस एनआरसी है जिससे भारत के सिटीजन को जानकारी मिलेगा कि ओरिजिनल कौन है, जो बाहर देश से आए हैं वो घुसपैठी है या तो उनको शरणार्थी बनाया जाएगा या उनको अपने देश में ले जाया जाएगा या हो सके तो भारत ही मदद करके भारत सरकार ही उसको यहाँ पर भी रख सकती है। तीनों अलग अलग चीज़ है, इसीलिए इसे भ्रमित ना किया जाए। अच्छा काफ़ी सारे लोगों में कन्फ्यूजन है, वो लोग दिखा ये रहे हैं कि बता ये रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को भी बहुत सारा लोचा है, मैं आपसे पूछूंगा अभी, क्योंकि आपका नाम मोदी है और मोदी जी एक मोदी जी वहाँ पे हैं सेंट्रल में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो सीए एनआरसी और ये सब बिल 3 तलाक और क्या क्या कर दिया उन्होंने, तूफान मचा दिया है पूरे देश में। और दूसरे मोदी जी जो कि हमारे आरा के मोदी जी हैं, तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या लगता है सीए और एनआरसी जो है ये दोनों जो है जब मिल जाते हैं तो घातक हो जाता है, ये कहना विपक्ष दल का है। प्रशांत किशोर जो जदयू के उपाध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि सीए जो ए है और एनआरसी जो है ये जब दोनों मिल जाएंगे तो किन्हीं कम्युनिटी को तो काफी सारा दिक्कतें आ जाएगी। नहीं नहीं, दोनों मिल भी जाएगा तो किसी का दिक्कत नहीं होगा, कहे कि जो शरणार्थी है मुस्लिम माने जो शरणार्थी है चाहे मुस्लिम है उनको भी यहाँ पर नागरिकता मिलेगा, उनका दूसरा अलग कानून है, वो 6 साल अगर 11 साल भारत में जो 6A आर्टिकल जो पहले से है उसके अनुसार मुस्लिम समाज को भी नागरिकता मिलेगा, ऐसा बात नहीं।
नहीं है, लेकिन जो सीए है इससे जो पहले जो अब एक्स्ट्रा माने आने वाले समय में नागरिकता के नहीं है, जो पहले से आ गए हैं सीए उसके अनुसार उन सबको नागरिकता मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 2014 से पहले जो आए हैं शरणार्थी जो 2014 से, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट एक बार 2015 में राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था बिल, इसलिए वहाँ पे लटक गया था और वो रुक गया था, इसलिए वो बिल जो है उसी समय का है, इसलिए 2014 तक जो डेडलाइन है सरकार ने रखा है कि 2014 तक जो नागरिक आए हैं दूसरे देश से, चाहे वो पाकिस्तान बांग्लादेश और ये अफगानिस्तान हो, वहाँ के लोगों को दिया जाएगा नागरिकता। ना अच्छा क्या लगता है, सही है ये आपको क्या लगता है? 100% सही है, अगर अच्छा से समझा जाए तो बहुत समय कोई चीज का भ्रम, कोई भी हम घर में नया बनाते हैं तो प्रॉब्लम आती है, जब सारी चीज बन जाता है, जब एक नया बच्चा भी आता है तो कितना प्रॉब्लम आता है, धीरे धीरे सब चीज सही हो जाएगा। जिसे जो भ्रम फैलाया जा रहा था अब लोग समझने लगे हैं, धीरे धीरे आंदोलन कम होती जा रही है, जो भी हो रही है शांति भाव से हो रही है, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे, जितने लोग पहले से आए हैं खास करके हिंदू कम्युनिटी के लिए फायदा होगा और हम मुस्लिम समाज के लिए, तो मोदी गवर्नमेंट में पता होना चाहिए कि 5 साल में 14,800 मुसलमानों को इन तीनों देश से आए हुए लोगों को नागरिकता दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है, ऑलरेडी मुस्लिम समाज को नागरिकता यहाँ से हर साल दिया जा रहा है, अभी अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम समाज को सीए स्पेशल बनाया गया है, जो जिनको स्पेशल तड़ी पार किया गया है उन लोगों के लिए, भारत में किसी भी देश के नागरिकों को नागरिकता मिलता है उसका अलग प्रोसीजर है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये लोग जिनको तीनों देश से भगा दिया गया है बलजोड़ी कि धर्म परिवर्तन के नाम पर, चाहे उन लोगों के लिए जल्दी मिलने के लिए चाहे से एनआरसी अभी नहीं आया है, इसलिए इसके बाद में हम बाद में चर्चा करेंगे, एनआरसी भी जरूरी है। काफी अच्छी बातें कही आपने, क्या लगता है चाचा सीएए और एनआरसी जो है किस तरीके से देश देख रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देश के लिए बहुत अच्छा चीज है, ये बेकार भ्रम की स्थिति विपक्ष के लोग पैदा कर दिए हैं और गुमराह कर रहे हैं जनता को, हिंदू के लिए भी अच्छा है, मुसलमान के लिए भी अच्छा है, इसमें बुरा क्या है? बुराई नहीं लगती है, बुराई कुछ भी नहीं लगती है, जो भी ये लोग, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, ये लोग 370 धारा, राम मंदिर में इन लोग को कुछ मिला नहीं, तो एनआरसी का बहाना लेकर ये लोग पूरे इंडिया के जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये मोदी जी जो भी किए हैं अच्छा काम किए हैं, अच्छा किया। और क्या लगता है आपको? ये सबसे बड़ी चीज़ कि मैं सीए और एनआरसी का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, इसलिए कि एक बाबा ने अभी बताया, सर जी अभी बता रहे थे कि इनको कोई मुद्दा नहीं मिला अलग से, कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो उस पर वो लोग कुछ बोल नहीं सकते थे, और उसके बाद नहीं तो ये 370 वाला जो था उसमें कुछ वो लोग कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने सीएए और एनआरसी के अंतर्गत इन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की हुई है, लेकिन सीए एक घबराने वाली बात नहीं है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और बेवजह विपक्ष में अफवाह फैलाया जा रहा है, अफवाह फैलाया जी जी, हमारे सरकार को घेरने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इससे लोगों को घबराना नहीं है, और एक चीज समझने की बात, सवाल तो ये है कि एनआरसी और सीए जब आएगा तो हिंदू तो आ जाएंगे लेकिन मुसलमान जो है वो चले जाएंगे, ये सवाल बना हुआ है जी। पहले 7% ही मुसलमान हिंदू पाकिस्तान में थे, लेकिन अभी उनका औसत दर घट के 2% हो गया है, और कहाँ से मुसलमान चलेंगे, इंडिया से मुसलमान चलेंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे, विपक्ष के दल के नेता बोल रहे हैं गुमराह करे, भरमा रहे हैं, ये बात जो है कि जनता को लोग पागल बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, जो अनपढ़ गवार है उन लोगों में भ्रम डाल रहे हैं, जो बहुत पाकिस्तान से मुसलमान भाइयों को क्या संदेश देना चाहिए, भाइयों के लिए संदेश है वो घबराए नहीं, जो यहाँ पर है नागरिक नागरिक रहेंगे, ये एनआरसी आरसीए नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, नागरिकता देने के लिए है, जो यहाँ पर नागरिक हैले हैं उनको छीनने के लिए कहाँ बात हो रहा है, वो विदेश से जो आ रहे हैं धार्मिक उत्पीड़न के जो शिकार होकर उनको नागरिकता दिया जाएगा, यहाँ से मुसलमानों को भगाया नहीं जाएगा, ऐसे इसमें कुछ कानून नहीं है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। चलिए और युवा